नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 जुलाई 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं गौर स्टडी और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की 18 महीने की अनायका शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? हमारे ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, सागर या सीहोर। तो इसका सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल की है अनायका शर्मा। आप देख सकते हैं इस पर पत्रिका का आर्टिकल भी है कि भोपाल की अनायका की मेमोरी गजब है और यह एक बार में ही चीजों को देखकर पहचान लेती है। देश के दर्जनों फ्रीडम फाइटर्स के फोटोग्राफ देखकर ये एक बार में ही पहचान लेती हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनकी फोटो ये देखकर पहचान सकती हैं। और इन्हें इंडिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका सहित कई देशों के फ्लैग भी पहचानती हैं। यह अनायका शर्मा जो है ये फ्रूट्स, एनिमल्स और पक्षियों के फोटो देखकर भी बता सकती हैं कि कौन सा पक्षी क्या है, और यह महज 18 महीने की है, इसीलिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस शहर से लॉन्च होगा? तो हमारे ऑप्शन है मंदसौर, मुरैना, भोपाल या रीवा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल से। देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का इस पर कटआउट भी है कि भोपाल से लॉन्च होगा देश का पशु सखी प्रशिक्षण ए हेल्प कार्यक्रम और यह शुरू होगा 23 जुलाई 2022 से। क्या आप देख सकते हैं इसमें, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई से संयुक्त रूप से भोपाल से ए हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मी फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर पाएंगे? तो हमारे ऑप्शन है विक्रम विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय या बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये सागर में स्थित है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। आप देख सकते हैं कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन पुलिस कर्मी कर पाएंगे फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई, साथ ही मनोविज्ञान, अपराध विज्ञान और साक्ष्यों के प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट सहित अन्य विषय भी पढ़ सकेंगे। यह हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित सब जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर डी, 10 पदक। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने बुशु में 1 गोल्ड समेत 10 मेडल जीते हैं और इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, और यह कब तक किया गया? तो यह 9 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, श्री प्रेम सिंह पटेल, श्री शिवराज सिंह चौहान या श्री मांगू भाई पटेल। जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर डी, श्री शिवराज सिंह चौहान ने। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और यह किया गया है 21 जुलाई 2022 को, स्थान भोपाल से। इसमें 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। इसके अलावा इसकी शुरुआत 21 जुलाई से हो गई है और 27 जुलाई, 3, 17 और 21 अगस्त को एवं 14 एवं 28 सितंबर को जन भागीदारी से टीकाकरण का महाअभियान भी चलाया जाएगा मध्य प्रदेश में। अब हम करेंगे 21 जुलाई 2022 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है? तो ये बन रहा है राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश के किस जिले की इसीता ने राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसीता का संबंध है शिवपुरी जिले से। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्रीराम संग्रहालय बनेगा? तो यह बनेगा भोपाल जिले में। अगला प्रश्न है, देश में क्षेत्रफल के हिसाब से प्रस्तावित
सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के देवास जिले के चापड़ा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को पे एंड प्ले योजना में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा टीटी नगर स्टेडियम में, जो कि भोपाल में स्थित है। ये हमारा कल का प्रश्न है, इसका उत्तर जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुटी जलप्रपात स्थित है? तो बहुटी जलप्रपात स्थित है रीवा जिले में। आप देख सकते हैं कि रीवा जिले में स्थित है बहुटी जलप्रपात, और ये करीब 198 मीटर यानी कि 650 फीट ऊंचा है, और ये सेलर नदी पर स्थित है, जो आगे चलकर बिहन नदी में मिल जाती है। ये हमारा आज का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में डिजिटल पार्क सुविधा शुरू की गई है? हमारे ऑप्शन है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें। और ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।